नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील गौतम गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा कि कल भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की है, तो फ्रेंड्स मेरे पास कई मैसेज आ रहे हैं कि 20 लाख करोड़ को कैसे लिखा जाए, 20 लाख करोड़ में कितनी जीरो होंगी और दोस्तों अरब खरब के हिसाब से इसको कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों देखिए, जैसे कि कल मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की है, तो सबसे पहले अभी जान लीजिए दोस्तों हम इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता फ्रेंड्स, एक जो ट्रिलियन होता है, एक ट्रिलियन, ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। ठीक है साथियों, 10 ट्रिलियन किसके कुल होगा फ्रेंड्स, 10 लाख करोड़ के। ठीक है फ्रेंड्स, और 20 ट्रिलियन होगा दोस्तों 20 लाख करोड़ के। तो दोस्तों, जो कल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की गई है 20 लाख करोड़ को, उसको आप 20 ट्रिलियन बोल सकते हैं, पहली बात। दूसरा फ्रेंड्स, अब इसको अगर अरब खरब के हिसाब से देखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है, 10,000 करोड़ 1 खरब होता है दोस्तों, 1 खरब, अरब खरब। ठीक है फ्रेंड्स, 1 लाख करोड़ हुआ दोस्तों 10 खरब। ओ फ्रेंड्स, 10 लाख करोड़ हुआ फ्रेंड्स, खरब के बाद आता है नील। ठीक है, 100 खरब का दोस्तों 1 नील होता है, तो फ्रेंड्स 10 लाख करोड़ को हम लिखेंगे 1 नील, 1 नील या 100 खरब, एक ही बात है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये कितना है, 20 लाख करोड़। तो दोस्तों 20 लाख करोड़ होगा 2 नील के बराबर या 200 खरब। तो दोस्तों इसको आप 20 लाख करोड़ को या तो 20 ट्रिलियन बोल लीजिए या फिर 2 नील भी बोल सकते हैं, या दोस्तों 200 खरब भी कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आता है कितनी जीरो होंगी। तो देखिए दोस्तों, 20 लाख करोड़ में होंगी दोस्तों कितनी जीरो होंगी, 20 लाख करोड़ लिखिए फ्रेंड्स, इकाई दहाई सैकड़ा पीछे से लिखा जाता है, लेकिन मैं अपनी कंफर्ट के लिए आगे से लिख रहा हूँ, तो इसको अदरवाइज ना लें। लिखिए दोस्तों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़ 10 लाख करोड़। तो दोस्तों ये हो गए 20 लाख करोड़। अब फ्रेंड्स देखिए, आप इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब कितनी जीरो फ्रेंड्स 20 लाख करोड़ में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो फ्रेंड्स ये हुई 13 जीरो, ये है आपका आंसर 13 जीरो। 20 लाख करोड़ में दोस्तों 13 जीरो होंगी, 13 जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे पूछ भी सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़, तो 20 ट्रिलियन किसके इक्वल होंगे दोस्तों, 20 लाख करोड़ की, जो कल मोदी जी ने घोषणा की है। उसके अलावा दोस्तों, क्योंकि 10,000 करोड़ 1 खरब होता है और 1 लाख करोड़ दोस्तों बनेगा 10 खरब, तो उसके हिसाब से दोस्तों 10 लाख करोड़ 1 नील और ये थे 20 लाख करोड़, तो 20 लाख करोड़ इक्वल होगा दोस्तों 2 नील के या फिर 200 खरब के। ठीक है फ्रेंड्स, और 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होंगे दोस्तों, 13 जीरो, क्योंकि फ्रेंड्स
एक लाख करोड़ या 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होती हैं, 12 जीरो। 1 मिलियन में 206 जीरो, 1 बिलियन में 9 जीरो और 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होती हैं। और दोस्तों क्योंकि ये 20 लाख करोड़ है तो आप 1 जीरो ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 13 जीरो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।